डाडा सिबा में कल एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति है सुरजीत कुमार, उसकी डेथ हुई थी। गांव लुसियाड़ है ये, और वहाँ मौके पर पुलिस गई थी। इंचार्ज डाडा सिबा, SHO देहरा, DSP देहरा भी गए थे, और उसके बाद 174 CRPC में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। उसका पोस्टमार्टम भी कल करवा दिया गया। थोड़ी सी परिस्थितियाँ मिस्टीरियस थी, इसीलिए टांडा मेडिकल कॉलेज से उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया। रात में डेड बॉडी रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दी थी, और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन अचानक सुबह आज इन्फॉर्मेशन मिली कि गांव के लोग और उनके जो सगे संबंधी हैं वो उसकी डेड बॉडी को लेकर के पुलिस चौकी में धरना प्रदर्शन या अपना रोष व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए चौकी इंचार्ज ने एज़ पर दी डायरेक्शंस कोशिश की कि वो गांव में ही चला जाए, और अगर उनके कोई ऑब्जेक्शंस हैं या कोई विरोध है तो फर्दर ऐसा अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। इसीलिए वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में वो लोग आ रहे थे गांव से और चौकी इंचार्ज जा रहे थे, तो कहीं आधे रास्ते में अपर भलवाल के पास वो आमने सामने आए। वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने गाड़ियों को रोका, उनसे बात करने की कोशिश की, बट इन द मीन टाइम वो लोग उत्तेजित हुए और महिलाओं ने जो है वो चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की, उनकी वर्दी पे भी छीना झपटी की, जो उनका ऑफिशियल मोबाइल था उसको भी उन लोगों ने स्नैच कर लिया। वीडियो शायद आप लोगों के पास भी है, वो सबने देखा है। सो उसके बाद वो लोग आए हैं, मैंने यहाँ से एडिशनल SP को भेजा था, DSP देहरा गए थे, DSP ज्वालामुखी को भी भेजा, परिस्थितियों को नियंत्रण में किया हमने। और जो उनका रोष था, हमने अप्रोप्रिएट सेक्शंस में उसकी डेथ के बारे में भी केस रजिस्टर कर लिया है, एंड वील इन्वेस्टिगेट इट, और जो तथ्य पाए जाएंगे फर्दर कार्रवाई उसी ढंग से हम लोग करेंगे। जहाँ तक मारपीट का सवाल जो ASI के साथ है, उसमें भी जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं 353, 332 एंड 382, विच इज़ क्वाइट सीरियस कि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को स्नैच करके ले जाएं, जो कि ऑफिशियल मोबाइल था उसका, उसके तहत जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, और उनको उकसाने के लिए जो वीडियो में आपको भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उन सब के विरुद्ध हमने केस रजिस्टर कर लिया है, एंड शीघ्र ही दिल ऑल बी अरेस्टेड और उनको अरेस्ट किया जाएगा। अभी वीडियो में जितने लोग दे रहे हैं, आधे काफ़ी ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं, तो जैसे प्रक्रिया हो जाएगी तो मैं एग्जैक्ट नंबर बता पाऊँगा।